पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम वेदों से सीखी है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब वही ज्ञान भारत में लौट कर आता है तो उस ज्ञान का ध्यान खो जाता है। जो आज मेडिकल साइंस बनकर लौटा है, उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान का भी अंश है। आज भी सर्जन राइनोप्लास्टी में उसी विधि का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के 100 से ज्यादा उपकरण लिखे हैं, लेकिन आज चिकित्सा में ध्यान और भाव की भूमिका खो गई। आधुनिकता ने आयुर्वेद से उसका शरीर दर्शन और दृष्टि ही अलग कर दी। योग या सांख्य का शरीर दर्शन, उपनिषदों का शरीर दर्शन, भगवत गीता का शरीर दर्शन, आयुर्वेद का शरीर दर्शन और पुराणों का शरीर दर्शन सब एक ही है और ये हिंदू संस्कृति और धर्म का आधार है। हिंदू औषधीय पौधे को जीव मानते हैं। भारत के वैद्य औषधीय पौधे के पास जाकर उससे निवेदन करते थे कि आपके अंग की रोगी को आवश्यकता है। पौधा करुणा से भरकर अपने अंग में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा भी डाल देता था। लेकिन आज का मानव पौधों को उपभोग की वस्तु समझता है। यही उपभोक्तावादी दृष्टि ज्ञान के प्रति भी है। हिंदुओं के अनुसार ज्ञान का शास्त्र कोई जड़ पुस्तक नहीं है, परंपरा की चेतन प्राण धारा है। ये चरक संहिता शास्त्र है। चरक का अर्थ है घुमक्कड़ सन्यासी। ऐसे घुमक्कड़ हिंदू सन्यासी जो चिकित्सक भी होते थे, उनकी परंपरा अथर्ववेद से चली आ रही थी। आयुर्वेद वेद का ही उपवेद है। वेद में अन्न ब्रह्म है। अन्न से हमारी चेतना बनती है। इसीलिए भारत में भोजन खाओ ये नहीं कहा जाता, भोजन ग्रहण करो ये कहा जाता है। राजस्थान में भोजन का आमंत्रण ये कहकर दिया जाता है कि भोजन आरोगोसा, भोजन से आरोग्य पाया जाता है। आरोगोसा, खाना खाओ ये नहीं कहते। खाना हमारे यहाँ वर्जित है। खाना शब्द का प्रयोग ही ये बहुत गहरा विज्ञान है जो लोगों ने अर्जित किया अपने अनुभवों से। न तो सब्जी काटी जाती है, सब्जी सुधारी जाती है। अब वहाँ हिंसा नहीं है। अगर और आगे बढ़ कर के कहूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप खाओ सा। तो खाना जो है वो दरअसल भक्षण की कैटेगरी में आता है। और हम भक्षी नहीं थे, हम भोक्ता नहीं थे, हम उपभोक्ता थे, ये हम जानते हैं। इतना ही भोजन करना है जिससे हम निरोग रहें और आरोग्य की प्राप्ति करें। आरोग्य की साधना पहली दरअसल जरूरत थी हमारी। हम भोजन चटकारे लेके नहीं खाते थे, हम भोजन आरोग्य निरोग होने के लिए करते थे। हम कैलोरीज नहीं गिनते थे, लेकिन हम ये देखते थे कि क्या चीज़ हमारे लिए पौष्टिक है, क्या चीज़ तृप्ति देती है। बहुत सारी चीज़ें सेवन की जाती थी। अभी सेवन भी दवा का शब्द है, तो खाने की चीज़ें भी सेवन की जाती थी। और विज्ञान इतना प्रबल था, लोग तक पहुंचा हुआ था जड़ों में, कि हम जानते थे कि क्या चीज़ गर्म है, किसकी तासीर गर्म है और किसकी तासीर ठंडी है। आज कोई नहीं जानता आज ठंडा क्या है, गर्म क्या है, ये कोई बताता नहीं है। और इस विज्ञान से वंचित रखा गया है पिछले 70-80-100 सालों से, जब से, बल्कि 200 सालों से।